वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे फिजिक्स यानी कि बहुत ही विज्ञान के, और इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको एहसास भी हो रहा होगा कि आपको कितने आप सीख चुके हो, आपका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एक तरह से आप अपना टेस्ट मान सकते हो। ठीक है, आप कितना सीख चुके हो, कितना आपको सीखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका रसायन विज्ञान का कि इनमें से कौन से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, विच ऑफ दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली हुई है, ठीक है, AgNO3 प्लस HCl, AgCl, HNO3, या फिर NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको बतानी है, और आप पढ़ते आ रहे हो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आप चूज करो गाइज, ताकि आपको खुद को भी पता लगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जाते हैं और कितने गलत जाते हो, तभी मज़ा आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा वनो क्वेश्चन का इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ये वाली है जिंक प्लस टू एच सी एल, ठीक है, जेड एन सी एल टू प्लस हाइड्रोजन की पहली वाली, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर, और आप सब जानते हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रेडॉक्स सब आप जानते हो। ठीक है, तो चलो आगे, सिंपल क्वेश्चन है वैसे बेसिकली। यदि कोई प्रक्रिया साम्यावस्था में है तो When any process is in equilibrium, आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में कि डेल्टा जी का मान उसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा भी ध्यान लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा, तो ईजिली आप इसको कर पाओगे। और ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके सब्जेक्टिव यानी कि ट्वेल्थ में अगर कम परसेंटेज बनी कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, अगर आप में ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते हो और कहीं पर भी जा सकते हो। ट्वेल्थ के परसेंटेज को देख के ऐसा मत सोचा करो कि हम हाँ कि कम है कुछ नहीं कर सकते, अगर कम भी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन हो गया है। यदि कोई प्रक्रिया साम्यावस्था में है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी ज़ीरो, डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइज, यदि कोई प्रक्रिया साम्यावस्था में है तो उसके लिए डेल्टा जी साम्यावस्था में, ठीक है, ज़ीरो साम्यावस्था में। तो अगला क्वेश्चन, कौन सी धातुएं डेनियल सेल में उपयोग की जाती है, विच आर द मेटल मेटल्स विच यूज इन डेनियल सेल। डेनियल सेल जानते हो ना आप सब, रसायन विज्ञान में आपने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा होगा, शुष्क सेल के बारे में पढ़ा होगा, विद्युत रसायन सेल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेनियल सेल में उपयोग की जाती है कौन सी धातुएं, यहाँ पर निकल एंड कॉपर, जिंक, जी बताइए, अर्जेंटम। सो गाइज, डेनियल सेल में उपयोग की जाती है आपकी जिंक और कॉपर। ठीक है, सिंपल, और यही है इसमें भी, ठीक है, जिंक और कॉपर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, लुईस अम्ल नहीं है यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है लुईस अम्ल, कौन कौन से है, अगर इसका आंसर पता है तो आप इसको सही करोगे। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए लुईस एसिड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेफ थ्री एच प्लस, एन एच फोर प्लस, या फिर एच टू ओ। सो गाइज, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एच टू ओ। ठीक है, ये लुईस अम्ल नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन से आप ये सीख गए हो कि वी एफ थ्री एच प्लस और एन एच फोर प्लस ये लुईस अम्ल है, इनको तो याद रख लें कि ये तो है और ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे को यही पता नहीं होता कोई कौन कौन से है, तो याद रख लेना बी एफ थ्री एच प्लस और एन एच फोर प्लस ये तो है और एच टू ओ नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन, दिए गए ताप पर प्रक्रिया स्वतः होती है, ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट द गिवन टेम्परेचर। दिए गए ताप पर प्रक्रिया स्वतः होती है यदि डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, या फिर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, या फिर डेल्टा एच
और इसकी वैल्यू भी सामने आपके लिए दी हुई है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की। तो दिए गए ताप पर प्रक्रिया स्वतः कब होती है? स्वतः, बहुत अच्छे क्वेश्चन से गाइस। ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियसली एट द गिवन टेम्परेचर। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस होना चाहिए आपका लेस देन जीरो, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, दोनों तरफ आपको ध्यान देना है। डेल्टा एच ग्रेटर देन ये हो गया और ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। ऐसे आते हैं क्वेश्चन आपके। चलते हैं गीगोर। गैस स्थिरांक आर का मान होता है, वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आपके सामने ऑप्शन दिए रखे, इसमें से आपको बताना है। चार ऑप्शन को देख लो आप अच्छे से, अरब डिग्री मोल इनके यूनिट भी सामने दी हुई है। गैस स्थिरांक आर का मान होता है कितना होता है गैस? सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8.314 × 10⁻⁷ अर्ग डिग्री मोल, ठीक है। किस पर टिक लगाओगे? फोर्थ पे, सही है क्या? अब ऐसे ही आप क्या करते हो, इधर का देख लेते हो पीछे का देखते हो, ये तो गलती करते हो, जबकि ये नहीं होगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि पीछे वाला तो मैच होना चाहिए ना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट 11th में देखा होगा शायद आपने, तो आ जाएगा क्या है क्रायोलाइट? मैग्नीशियम सिलिकेट, सोडियम बोरो फ्लोराइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइट, मैग्नीशियम सिलिकेट कार्बोनेट। 11th की बुक में मिल जाएगा, रसायन विज्ञान की में क्रायोलाइट के बारे में ईजिली आपने पढ़ा होगा तो आ जाएगा। और वैसे आपने 11th अगर मजे मजे में निकाल दी होगी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो 11th और 12th दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। 11th की कम हो तब भी चल जाएगी, बट 12th की तो पूरा होना ज़रूरी है। क्रायोलाइट, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइट, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, अगर आपने 11th उस टाइम पर अच्छे से नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हम क्या है पता नहीं होता कि कहाँ पर यूजेज होने वाली है। बट अगर अब भी आप समझ जाओ, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लो उसकी, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए 11th की नॉलेज को इम्प्रूव कर लो, तो क्योंकि उस टाइम पे तो होता ये है कि हाँ की पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, इतना वो नहीं होता अपन में दिमाग। बट जब भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हाँ की जरूरत है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को HgSO4 की उपस्थिति में दोनों H2SO4 के साथ प्रभावित किया जाए तो उत्पाद बनता है, क्या उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? ये तो सिंपल सी बात है, रसायन विज्ञान में आनी चाहिए आपको, रेक्स ने। तो क्या बनेगा, कीटोन, इतर, एसिटिक अम्ल या फिर एसिटाल्डिहाइड? सो गाइज आपका बनेगा उत्पाद इसमें एसिटाल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन के लिए लेसेग्रे परीक्षण के दौरान निम्न में से कौन सा खून जैसा लाल रंग देता है? खून जैसा लाल रंग, चूज कीजिए अपना ऑप्शन, चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। ऐसा मान के चलो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो और कितने सही करते हो आप, ऐसा मान के चलो तभी मज़ा आएगा। सो चूज कर लिया होगा अपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन 3, ठीक है। चलते आगे और, गैस जो सारे KNO4 विलयन को रंगहीन कर देती है परंतु AgNO3 के साथ अवक्षेपण नहीं देती है, वह है? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस जो सारे KNO4 के विलयन को रंगहीन कर देती है परंतु AgNO3 के साथ अवक्षेपण नहीं देती है, वह है गाइज वह C2H4, ठीक है C2H4। चलते आगे और, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का PKW 13.36 है तो उस विलयन का pH आपको बताना है, जो कि आपको पता होगा गाइस pH कैसे निकालते हैं। ऑप्शन आपके सामने आ जाए कि 6.68, 7.63, इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका 6.68।
सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.68। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उनकी मानक अवस्था में सभी तत्वों की एंथैल्पी होती है इकाई शून्य जीरो से या फिर एक दूसरे से भिन्न। जीरो जीरो इज द नेक्स्ट। बॉक्साइट का सूत्र बताना है गाइज आपको, देखो इलेवंथ से भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड L2O3 H2O या फिर L2O3 2H2O या फिर आपका L2O3 3H2O। बॉक्साइड का सूत्र आपको बताना है। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपको पता होगा इसका फॉर्मूला तो इजीली आप इसको कर दोगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सही चूज किया होगा, Al2O3 2H2O इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव्य युग्मों में कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है। आपके सामने ऑप्शन है CH3CO CH3 CHCl3 या फिर C6H6 CH3OH H2O HCl H2O HNO3। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C6H6 CH3OH। ठीक है, चलते हैं गीगोर। किस अभिक्रमक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन विभेद किया जा सकता है। फेलिंग अभिक्रमक, विलयन, NaHCO3, NH3। किस अभिक्रमक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन विभेद किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका फेलिंग अभिक्रमक। ठीक है, फेलिंग अभिक्रमक। निम्नलिखित में से कौन सा विलायक H2O में विलय है। विच ऑफ द फ्लोविंग सॉल्वेंट H2O सोलिबल, CCl4 CH2 CHCl3 C2H5OH। सो गाइज H2O में विलय है गाइज आपका C2H5OH। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है ना आपके, इस वजह से। हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन टेक प्लस इन डायमंड, और हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन आता है SP SP2 SP3 DSP2। हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है। SP3 संकरण पाया जाता है गाइस, याद रख लेना, अगर याद नहीं तो गांठ मान लेना, क्वेश्चन बन सकता है SP3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पित्तल किन धातुओं से बनी मिश्र धातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ब्रास इज एलो ऑफ विच मेटल। पित्तल जो होती है वो किन धातुओं से बनी मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, जस्ता और लोहा, इस्पात और तांबा। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो गाइज आपने चूज कर लिया होगा वैसे बेसिकली अपनी ईमानदारी से, पित्तल किन धातुओं से बनी मिश्र धातु है, वह है तांबा और जस्ता। अगर आपने गलती किया है तो याद रख लेना तांबा और जस्ते की है। काफ़ी सारी जगह यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिश्र धातु किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृगनाभिक स्नेही है। विच ऑफ द फ्लोविंग स्पीसीज इज ए न्यूक्लियोफिली, यानी नाभिक स्नेही आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 12th, याद करो 12th का रसायन विज्ञान का चैप्टर है आपके। नाभिक स्नेही NO2- Na+2O2- या फिर CX2 या फिर CH3। कौन सा वर्ग नाभिक स्नेही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका NO2-। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन देगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे सारे। और यही नहीं है, आपके लिए एक और चैनल बना रखा है GKMCQ MK। जी हाँ बिल्कुल, लिंक नीचे दे रखा है GKMCQ MK, यहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है इस चैनल का। अगला क्वेश्चन है आपका, 6.58 pH के विलयन में H3O+ आयन का, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आयन का सांद्रण होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.63 × 10⁻¹। ठीक है, 2.63, और पीछे जो मात्रक है उसका थोड़ी सी ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन सही है। यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है गाइस आपको। यौगिक का आईयूपीएसी नाम 2-ब्यूटेनोइकमल, 3-मेथाइल ब्यूटेनोइकमल, 2-कार्बोक्सिलिक ब्यूटेन, 2-मेथाइल ब्यूटेनोइकमल। बहुत सही क्वेश्चन है। यौगिक का आईयूपीएसी नाम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2-मेथाइल ब्यूटेनोइकमल। ठीक है, 2-मेथाइल ब्यूटेनोइकमल, 2-मेथाइल ब्यूटेनोइकमल। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एक बार और। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। ब्यूटोइन सिस ट्रांस साम्यवस्था क्यों प्रदर्शित करता है गाइस? ब्यूटोइन सिस ट्रांस साम्यवस्था क्यों प्रदर्शित करता है बताइए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि बंद के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रेनायन सबसे दुर्लभ सार है? विच ऑफ द फ्लोइंग एनायन इज वीकेस्ट बेस? C2H5O- या फिर CN- या फिर CH3COH या फिर NO3। निम्न में से कौन सा रेनायन सबसे दुर्लभ है सार है? सो गाइज, वो है NO3-। ठीक है, याद रखना इस बात को। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, लिंक होगा PDF, वो हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेंड कर देंगे। अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है, C3H7 और C2H5 यौगिक रखते हैं प्रकाश समावयवता। यहाँ से तो क्वेश्चन आता है समावयवता से, तो गाइस 100% सिस ट्रांस समावयवता, मध्यावयवता श्रृंखला। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो समावयवता वाला चैप्टर देख लेना एक बार। इसका राइट ऑप्शन होगा मध्यावयवता, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब HCOOH को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत किया जाता है तो गैस उत्पन्न होती है SO2CO H2S CO2। कौन सी होती है? जब HCOH को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत किया जाता है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ईमानदार से बताइए। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमने 25 में से इतने क्वेश्चन सही किए। राइट ऑप्शन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही जहरीली है। यह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर बहुत ही विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक है, तो इसे बच के रहना चाहिए CO को लेने से, और ये बहुत ही विषाक्त होती है। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।